सर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा एक्सरसाइज 6.1 है इसका थर्ड क्वेश्चन देखा था, वहां पे हमको इक्वेशंस दे गए थे, फिर वो इक्वेशन y एज अ फंक्शन ऑफ x है कि नहीं, वो इक्वेशन हमारा y एज अ फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, वो हमने देखा। तो उसमें अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। इफ f ऑफ m दैट इज फंक्शन ऑफ m इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 then find f of 0, f of 1 by 2, f of n, ये है, sorry, okay, sorry, क्या है, मेरे को function in terms of n देखे है, फिर बाद में मेरे को f of 0 find करना है, f of 0 study, अब ये क्या होगा, मेरा value of a function का है, निम्र क्या है ना sir, आपको बताया था मैंने value of a function भी, कोई भी function देखे, f of x, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है एट पॉइंट x is equal to 2, तो उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x is equal to 2 क्या आएगा, वैल्यू एट x is equal to a, x is equal to so a क्या आएगा मेरा, इज f of a, मेरा वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा f of a, और मेरे f of a की वैल्यू क्या है, यहां पे कुछ नहीं करेंगे, f of a की वैल्यू क्या है, बस ये जो इक्वेशन देखे हैं मैंने f of x के लिए, f of x के टर्म में जो भी इक्वेशन देखी, जैसे f of a के टर्म में इक्वेशन देखे, यहां पे आपको x के जगह a पुट करना है, वैसे स्टूडेंट आप मेरे को f of m के टर्म में, तो मेरे को f of 0 पुट करना है, तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहां पे m की जगह 0 पुट करना पड़ेगा इक्वेशन में, और फिर सॉल्व करके मेरे को f of 0 की वैल्यू x को f of 0 की वैल्यू मिल जाएगी, सिमिलरली स्टूडेंट मेरे को m की जगह आपको 1 by 2 पुट करूंगा, तो यहां पे इसको अपन देखेंगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट मेरे को f of 0, सबसे पहले लिख देते हैं गिवन फंक्शन, व्हाट इज गिवन फंक्शन स्टूडेंट, f of m is equal to m square minus 3m plus 1. Okay, so अब मेरे को f of 0 की वैल्यू फाइंड करना है. F of 0 is equal to सबसे पहले a वाला है. a है तो इसमें इसमें f of 0 लिखेंगे. तो क्या करेंगे? Put m is equal to 0. m is equal to 0 in ये जो मेरा फंक्शन बना है ना, इसमें m इक्वल टू 0 पुट करो तो उसमें क्या आएगा, मेरा f ऑफ 0 की वैल्यू बनेगी, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 3 इनटू 0 प्लस 1, तो इसकी 0 ये भी 0, तो उसमें मेरी वैल्यू ऑफ फंक्शन आए 0 कितनी आनी, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है स्क्वायर 1, ओके। अब सुन यार देखो थर्ड वाला, एग्जांपल नंबर 2 देखो f ऑफ 1 बाय 2 माइनस, ओके सो देखो फंक्शन एट m इज इक्वल टू 1 बाय 2 ये फाइंड करना है, तो सर इसके लिए क्या करेंगे, ये मेरा c हो गया, तो पुट m इज इक्वल टू 1 बाय 2, तो मेरे को f ऑफ 1 बाय 2 मिल जाएगी, सो आफ्टर पुटिंग f ऑफ 1 बाय 2 इन 1, ये 1 में पुट करूंगा तो मिल जाएगा f ऑफ आप इज इक्वल टू m स्क्वायर मींस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इनटू m दैट इज 1 बाय 2 प्लस 1, ये सो इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय माइनस 3 बाय 2 प्लस 1, इसको सॉल्व करने के लिए 1 बाय 4 इसका भी डिनोमिनेटर कॉमन ले लो, तो इसको मैं 3 इनटू 2 इसका भी डिनोमिनेटर कॉमन कर दूंगा, तो 8 इनटू 4 1 इनटू 4 अपॉन 1 इनटू 4 आ जाएगा, ओके सो तो 1 बाय 4 प्लस 6 बाय 4 प्लस 4 बाय 4, तो सो इसको सॉल्व करेंगे हमें डिनोमिनेटर कॉमन है, तो 4 एक साथ ले लेंगे 1 माइनस 6 प्लस 4, इसकी सुमे भागे इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 4, तो स्टूडेंट मेरी फंक्शन की वैल्यू फंक्शन ऑफ हाफ की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाय 4,
ओके स्टूडेंट नोट कर लीजिए।